अब ये वाला आप देखोगे ना 1,90,000 का है, बट आपको ये मिलेगा 1,23,000 का ना। इसमें शायद टीवी भी चलता है, जो आता है ना टीवी वाला टच वाला वो सिस्टम है, ये ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है साथ में। और इसमें ये वाला सिस्टम भी है ना, यहाँ पे डिस्पेंसर वगैरह भी है ना इसके अंदर, ये देखो आइस वगैरह ठंडा पानी गर्म पानी वो भी निकल जाता है साथ के साथ। और गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। चलिए मैं अभी नहा के रेडी हो गया, उठ चुका हूँ और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लिया, अभी खाना वाना खाते हैं और फिर निकलते हैं घर से और देखते हैं कहाँ जाते हैं ना। आज मेरा थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर करेंगे, तो बाकी बारिश वगैरह आ रही है ना 3-4 दिन से, तो कुछ इधर उधर जाने का प्लान नहीं बन रहा भाई ना। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी ना, यहाँ गलियों में आपको देने आ जाते हैं सब कुछ, वो देखो अभी नारियल पानी वाला आ रहा है ना, तो सब्जी वाले ये और सारे यहीं पे आ जाते हैं आपकी गली के अंदर, आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। डोर टू डोर सर्विस मिलती है भाई आपको ना, ये एकदम अच्छी बात है। उल्टा बाजार से सस्ता ही मिलता है भाई, इनके पास महंगा नहीं मिलेगा आपको, सस्ता ही मिलेगा, तो ये चीज़ बढ़िया ना। तभी खाना वाना रेडी है, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं भाई। सो गाइस मैं घर से निकल चुका था ना, अभी मुंडका की तरफ आया हूँ, थोड़ा सा मेरे को काम था यहाँ पे। और एक चीज़ देखिए भाई मैंने यहाँ पे ना, ये देखो आपको दिखाता हूँ, पूरी बिल्डिंग को आग लगा के जला रखी है ना, आप देख सकते हो ये रहा, ये कुछ सीन किया होगा भाई, या तो हो सकता है ना ऐसे, क्योंकि कुछ लोगों के कहते हैं बीमा वगैरह करवा के रखते हैं ना बिल्डिंग वगैरह का, तो भाई फूंक देते हैं जानबूझ के, जैसे क्लेम वगैरह मिल जाता है उनमें कबाड़ होता है दुकान में, तो सामान वगैरह तो होता नहीं है, तो वो क्लेम ज़्यादा मिल जाता है उनको, इस चक्कर में भी कुछ लोग ऐसा कांड कर देते हैं। बिल्डिंग तो पूरी जल चुकी है यार अंदर से ना, शीशे वीशे सब फूट रखे हैं ना, मेरे हिसाब से बिल्डिंग भी बढ़िया थी, नई लग रही है देखने में, इतनी पुरानी भी नहीं है और सब जल चुकी है एकदम पूरी। कुछ और भी रीजन हो सकता है भाई, क्या बताएं अब आपको, कुछ होता है भाई, मैंने बहुत बार देखा है, सुना भी बहुत, ऐसा लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं ना। यहाँ पे एक बड़ा स्टोर है, मैं इसमें आया हूँ ना ब्रांड गोदाम करके, तो यहाँ पे जैसे होलसेल वगैरह का काम है ना, इनका जो प्रोडक्ट वगैरह रिटर्न होते हैं ना अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी अच्छी रेट में वगैरह मिल जाती है ना। अभी जो MRP 60% डिस्काउंट हो रहे हैं होलसेल के लिए, वैसे 50% है ना, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे सारी चीज़ें है ना वैसे तो यहाँ पे, ये पूरा ये देखो बहुत सारा बड़ा गोदाम है ना, तो यहाँ LED वगैरह भी है ना बड़ी बड़ी, ये तो मेरे को लोकली लग रही है ना, ये वाली मार्क्यू की है 60,000 की, और ये वैसे बहुत सारी है वैसे तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह हैं, साउंड बार वगैरह सब कुछ है ना। अब ये वाली जो है ना ये 65 होगी ना, 65 ये 58,000 की मार्क होगी ना, और ये वाली इसके बाद दिखा देता हूँ, ये वाली है 52 की, ये 52 की 65 की ना, और ये और भी बहुत सारी है वैसे तो, ये वाली बताई थी भाई। इसका क्या प्राइस है, इसका वो है कोडक की 50, उसका है भाई 26,000 ना, और ये मोटोरोला का 5,000 का है ना, तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह है, तो इनके एकदम फ्रेश तो नहीं कह सकते भाई, एकदम फ्रेश है ना वैसे, है रिटर्न वगैरह वो वाला है ना, रिटर्न वगैरह लोट वाला वो चीज़ है यहाँ पे, बट है सस्ता वैसे, आपको 60-65-70% अलग अलग डिस्काउंट है ना चीज़ के हिसाब से है ना। तो ये वाला FND का स्पीकर भी बड़ा है यहाँ पे एक, और ये ना MI की बढ़िया IPS पैनल वाली, सिर्फ 50 की होगी ये, तो लगभग भाई 40-50 के आसपास होगी ना, बाकी हो भी सकता है। एक उधर वो मोटोरोला की पड़ी है, और ये सही है ना मार्क्यू वगैरह बहुत सारे ब्रांड तो सारे हैं लगभग यहाँ पे, बट फ्रेश तो मेरे को नहीं लगता कि फ्रेश मिलेगा, फ्रेश तो बहुत कम मिलेगा यही है। तो अब ये जैसे फ्रिज है इसकी MRP 18.5, तो ये 15 का मिलेगा आपको ना, और ये वाला 17 का है, 12.5 का, और ये वाला है भाई 20 का, ये वाला 14.5 का है ना, तो ऐसे करके ये लगभग है इनके पास सारे ही, बट ठीक है फ्रेश भी है बिल्कुल एकदम ना, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको फ्रेश भी मिलेगी बिल्कुल। एक साइड देखो ना बड़े बड़े ये सारे पड़े डबल डोर वाले, और ये वाले भी ना आप जैसे कि दिखाता हूँ मैंने, ये देखो ना ऐसे इसके अंदर ये चीज़ें आती है, तो ये वाली चीज़ें आ सकती है ना, क्योंकि ये जो टचिंग फचिंग का ना गिर जाता है या रिटर्न हो जाता है वो वाली चीज़ें हैं ना, तो ये थोड़ी है कि आपको अच्छे रेट में मिल जाती है भाई। अब ये वाला आप देखोगे ना 1,90,000 का है, बट आपको ये मिलेगा 1,23,000 का ना। इसमें शायद TV भी चलता है, जो आता है ना TV वाला टच वाला वो सिस्टम है, ये ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है साथ में। और इसमें ये वाला सिस्टम भी है ना, यहाँ पे डिस्पेंसर वगैरह भी है ना इसके अंदर, ये देखो आइस वगैरह ठंडा पानी गर्म पानी वो भी निकल जाता है साथ के साथ, और अंदर से कुछ ऐसा है, ठीक है यार बढ़िया कंडीशन, तो वैसे इस रेट में तो कोई गलत भी नहीं है भाई, देखे तो इतना प्राइस कम हो जाता ना आपका तो ठीक है उस हिसाब से। और ये देखो बहुत सारे पड़े हैं, और देखो सामने यहाँ लिखा भी है ना up to 70% डिस्काउंट ना, इतना तक डिस्काउंट मिल जाता है। कोई कोई चीज़ें तो आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिलती है, जैसे ये वाली देखो ना एकदम बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में पड़ी है, अंदर से भी देखो बाहर से भी देखो, कुछ चीज़ें तो बहुत बढ़िया मिल जाती है भाई आपको, एकदम ऐसे लगती है कि ब्रांड न्यू है ना, वो भी आधे से कम रेट में मिल जाती है आपको इजीली,
और कुछ चीज़ें तो आपको महंगी भी पड़ सकती है भाई, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना इन चीज़ों का, तो वही है ना उसके हिसाब से भी हो सकता है। अब ये थोड़ा सा डैमेज हो रखा था ना, अटक वटक रहा है थोड़ा सा, और बाकी तो है बहुत बढ़िया एकदम ना। इसका भाई क्या रेट है लगभग? ये 165 का है, 123 में पड़ेगा भाई ये ना, फोर डोर वाला है ये, और ये वाला बड़ा डबल डोर वाला आ गया ना इसका है, ये भी ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है भाई। ये एक 24 का है और 85 का दे रहे हैं ना, ये वाला देखो बिल्कुल स्लिम है यार डोर इसका, पतला सा डोर है देखोगे ना, एकदम एकदम थिन है ना, और ये वाला डोर थोड़ा सा हैवी है, बड़ा है। अब ये वाला देखोगे ना एकदम फ्रेश कंडीशन में पड़ा है ना, मार्क्यू का। वैसे आपको बता देता हूँ, जो मार्क्यू है ना वो फ्लिपकार्ट का एक ब्रांड है, और जो अमेजोन बेसिक्स है वो अमेजोन का ब्रांड है ना। अब देखो आप पूरा फ्रेश पड़ा है ना, एकदम बिल्कुल अनटच पीस है एकदम ना। ये देखो ये वाला बढ़िया है एकदम, अगर ये 40-45-50 तक मिले तो भाई कोई गलत नहीं है, एकदम सही है मेरे हिसाब से। ये वाला आप देख रहे हो सैमसंग का बाज़ार में 1,00,000 रुपये से ऊपर होगा, यहाँ ही 60,000 का है ना, तो आप देखो ना बढ़िया कंडीशन तो ठीक है ना, थोड़ी सी रिपेयरिंग वगैरह हो जाए, ऊपर लेमिनेशन वगैरह हो जाए ना दोबारा, और अंदर से सफाई वगैरह हो जाए तो नया जैसा हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये तो। 7 किलो वॉशिंग मशीन ये वाली ना बाज़ार में देखो 10-11 हज़ार से ऊपर मिलेगी, ये 8500 की है यहाँ पे, और ये वाली 8800 की, और उधर वाली है वो 7800 की है ना, सबसे सस्ती है वहाँ पे। जैसे अमेजोन बेसिक का मैं बता रहा था ना, अमेजोन बेसिक है इसका 70,000 MRP है, ये 50 में मिलेगा ना आपको, और अब अंदर से दिखाता हूँ। ये वाली चीज़ भी बहुत बेस्ट होती है ना अमेजोन जैसे कि, ये बेसिकली कोई कंपनी वैसे बनाती है अपना प्रोडक्ट अपना मार्का लगवा के, और ये फिर ऐसे सेल कर लेते हैं भाई ना, तो आप भी ऐसे कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है ना, आप उस पर अपना मार्का लगवा के सेल कर सकते हो। ये बढ़िया लगता है भाई मेरे को सबसे ना, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह होते हैं। वाले डिनर सेट है जैसे 3,000 MRP है ना इसका, ये आपको मिलेगा 800-900 रुपये में ना, और बढ़िया क्रोकरी है ना एकदम बड़ी, चीनी वाला नहीं है दूसरा है तो अच्छा डिज़ाइन भी है। इसके अंदर 33 पीसेस है, नहीं 32 पीसेस है ना। ये चीज़ देखो ना आप, ये वाला लगभग 500-600 रुपये का है ना इसके अंदर, ये देखो ना नीचे ये वाली बाउल्स है, ये बाज़ार में आपको 1,000 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा भाई ना। और यहाँ देखो ये देखो कितने अच्छे कप है ना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और यहाँ ये लगभग भाई मिलेगा आपको मेरे हिसाब से लगभग मिलेगा 450 के आसपास मिल जाएगा आपको ये ना, वगैरह की भी चीज़ें। ये देखो लगभग ये आपको 60% तो नॉर्मल है मिनिमम आपको मिलेगा मिलेगा, और ये स्केटबोर्ड आ गया ना जो लाइट वाला चलता है ना ये वाला, और बाकी 60% से ज़्यादा ही ऑफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। वैसे तो नॉर्मल 60 है, 65 कुछ पे 80-85-90% तक भी चला जाता है, तो वो आपको चीज़ों के हिसाब से डिपेंड करेगा ना, तो ये वाली चीज़ें भी आप काम की चीज़ें लेके जा सकते हो भाई यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको इसके साथ ये बेनिफिट है ब्रांड वारंटी भी आपको मिलेगी, जो भी ब्रांड है ना उसकी वारंटी मिलेगी, क्योंकि पक्का GST का बिल मिलेगा ना आपको, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डंबल्स वगैरह जैसे फोटो फ्रेम्स वगैरह ना बहुत बहुत सस्ते हैं, 1,100 रुपये MRP है, तो ये मान के चलो इसके अंदर 3-4 पीसेस होंगे मेरे हिसाब से ना ये वाले जिसे, तो ये भी आपको बहुत चीप में पड़ेगा, 200-300 मिल जाएगा। वैसे बाहर ये वाला फ्रेम 200 से नीचे नहीं मिलेगा सिंगल पीस आपको। कुक का हैंड वॉश देखो ना, 130 MRP और 50 रुपये का मिलेगा भाई आपको ना, 50 रुपये का क्वांटिटी भी है इसके, आधा लीटर तो होगा भाई मेरे हिसाब से, हाँ आधा लीटर है भाई, 500 ml है। और ये वाला भी ऐसे ही है ईजी, आपको 300 रुपये MRP है, और ये मिलेगी भाई आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलेगी ना। रेट क्या है भाई इसका, रेट नहीं लिख रखा यार इसका, पता नहीं क्या है। ये वाला ना डोल फ्रूट बॉल्स 50 रुपीज़ है, ये आपको 20 रुपये का मिलेगा। जब भी आप पाइनएप्पल वगैरह के, इसके अंदर पाइनएप्पल के स्लाइसेज है ना, जब भी आप पाइनएप्पल वगैरह जूस बनाते हो तो इसको मिक्स करके थोड़ा बना सकते हो, तो थोड़ा अच्छा गाढ़े सा बन जाता है ना ये है। अब देखो कितनी सारी वेराइटीज़ के स्पीकर है ना यहाँ पे, ये देखो नीचे देखो ना, इनका रेट वगैरह तो नहीं है बट ये MRP से डिस्काउंट मिलेगा आप, ये 1,600 रुपये का है जैसे कि नेट प्राइस है इसका। ऐसे और भी बहुत सारे ये वाले और ये वाले। अब यहाँ पे क्रोकरी वगैरह सिस्टम आ गया ना, ये क्रोकरी की चीज़ें हैं, लगभग इन पे भी 60-65-70% ऑफ है ना। और जैसे इलेक्ट्रिक केटल देखो, इसकी 1,350 MRP, 650 रुपये, मतलब हाफ आ गया ना। आप अगर और भी इसके भी ऊपर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, रिक्वेस्ट वगैरह करोगे ना आप तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, खास बात नहीं है वो तो। बनाएगी ये देखो, कीबोर्ड भी पड़ा है, थोड़ी सी हालत तो खस्ता है इसकी, चल चल तो नीरा भाई पूछना पड़ेगा ना चल रहा है कि नहीं चल रहा। और जैसे ये वाले देखो ना, बहुत सारे ये पड़े हैंड ब्लेंडर वगैरह आ गए, ये आपके हेयर ड्रायर वगैरह आ गए ना, इस पर लगभग 65-65-75-890 का ना, ये लगभग आपको 250-300 रुपये का पड़ेगा ना, इतना मिल जाएगा आपको डिस्काउंट वगैरह। अब इस साइड आ गए ना, जैसे नॉन स्टिक तवा वगैरह आ गए, या इलेक्ट्रिक तवा वगैरह आ गए, ये चॉपर आ गए, जूसर मिक्सर ग्राइंडर आ गए ना, लगभग 2,000-1,500-1,000-1,200 रुपये ऐसे मिल रहे हैं ना। उधर टोस्टर वगैरह भी आ गए, तो कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। ये वाला टोस्टर देखोगे ना आप, वाला टोस्टर आपको लगभग पड़ेगा भाई
800-900 के आसपास पड़ेगा ना, बालतरा का है ये। और ये वाला कॉफ़ी मेकर आ गया ना ऊपर, कॉफ़ी मेकर देखते हैं भाई, इसकी MRP 1860 रुपये। ये भी लगभग आपको 1800 के आसपास पड़ेगा ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई। ये वाली जैसे बालतरा की है ना 1250 रुपये की, ये आपको लगभग पड़ेगी भाई 500-550 के आसपास पड़ेगी ना। ये वाली तो उधर आएगी, इसे मैंने दिखा दी। और नीचे तवा वगैरह, ये नॉन स्टिक सॉरी तवा वगैरह 1000 रुपये MRP है इसकी बालतरा की। ये भी आपको लगभग मान लो 500-550 का पड़ेगा ना। टेपर पेन है, सॉरी इसके अंदर पेन है, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा नहीं है इसके अंदर ना। तो नॉन स्टिक तवा वगैरह भी, ये थोड़ा सेट आ गया है यहाँ पे 3-4 बर्तन का। और ये चॉपर वगैरह आ गया ना, ये चॉपर आ गया, इसका MRP है भाई 2450 रुपये। ये लगभग 500-600 का ही पड़ेगा यार आपको, है ना। तो जिसको भी चाहिए ये चीज़ें अपने काम काम की पिक कर सकता है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है वैसे ना, काफ़ी किफ़ायती है। यहाँ भी दिखा देता हूँ, अब ये देखो ना, ये जूस स्टिकर, ये देखो जूस ऊपर है इनालसा का ना 1800 रुपये का, बालात्रा नविता का भी है, बालतरा का भी है, बहुत सारी ब्रांड्स है वैसे तो, मिक्सअप आता है ना मालिश के अंदर सारा। ये वाला था जो ना ब्रांड गोदाम करके ना डिस्काउंट की दुकान, तो सही में है बढ़िया, बहुत अच्छा है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो मुंड का इंडस्ट्रियल एरिया है ना, इसके नियरेस्ट है। और पिलर नंबर है भाई 573 ना, 573 पिलर नंबर के आसपास में एकदम, ये 573 पिलर नंबर जस्ट इसके सामने आपको दिख जाएगा। और ये वाली रोहतक रोड है ना, सामने रोहतक को चली जाती है, और इधर तो दिल्ली है ना। इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको यही एक्सप्लोर करवाऊंगा ना, अभी आगे ना दो नांगलोई रेलवे स्टेशन है ना, जो मेट्रो स्टेशन है, वैसे उसका नाम नांगलोई रेलवे स्टेशन है पर है वो मेट्रो स्टेशन ना, तो रेलवे स्टेशन भी है भाई साइड में, सॉरी है ना। तो वहाँ पे ना दो और है, जो कि जहाँ पे ये डेली ग्रोसरी का सामान मिलता है ना, उनका भी आपको रेट वगैरह वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि कितना है। तो इन चीज़ों से आप आइडिया लगा के देख सकते हो अपनी दिवाली की शॉपिंग के हिसाब से ना, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, ग्रोसरी का सामान चाहिए, तो कहाँ से आपको दिल्ली के अंदर सस्ता पड़ेगा कैसे ना, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कंपेयर करके ले सकते हो। तो इसलिए मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ ना इलेक्ट्रॉनिक के लिए और इसके लिए, तो देख लेना भाई पूरी ना एकदम मस्त, और बताना कैसी लगी। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ना सामने, ये नांगलोई रेलवे स्टेशन वाला मेट्रो स्टेशन, और ये बनिया की दुकान ये वाली, और पीछे वाला है राज मंदिर ना। अब इन दोनों स्टोर पे अपन चेक करेंगे कि क्या प्राइस वगैरह आ रहा और क्या ऑफर वगैरह है, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से आपको लेने में भी फ़ायदा है कि नहीं है भाई ना, तो ये भी देख लेना। उसी रोड पे है रोहतक रोड पे, ये भी ये नांगलोई रेलवे स्टेशन ना सामने। तो भाई ये वाली थी ना बनिया की दुकान, अंदर जाके तो आ गया, कोई ऑफर वगैरह कुछ भी नहीं है भाई एकदम ना, बिल्कुल कोई ऑफर नहीं है ना, बाहर लिख रखा होगा ऑफर वगैरह, मेरे को तो दिखे नहीं। और भाई इनके ना अलग ही है भाई, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ ही नहीं है बोलते, है ना, ये अलग ही लग रहे थे भाई मेरे को तो, थोड़े से अजीब से। तो मैं तो आ गया वापस, अब उस सामने वाली पे चलते हैं राज मंदिर पे ना, उस पर देखते हैं। कीचड़ वगैरह बहुत रखा है ना बारिश की वजह से यार, बेकार हालत हो रखी है ना यार, लगता नहीं यार दिल्ली में क्या करे भाई क्या सोलूशन हो सकता है इन चीज़ों का। करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, गवर्नमेंट तक पहुँचाओ। मैं राज मंदिर में हूँ भाई ना, इस पे देखो बाई वन गेट वन फ्री है ना, और मैक्स बाज़ार में भाई बाई वन और गेट टू फ्री ना, एक के साथ दो फ्री है, 100 रुपये के 3 मिलते हैं आपको, और यहाँ 100 रुपये के 2 ही मिलेंगे। ऑफर वगैरह तो नॉर्मल है यहाँ पे भी, ज़्यादा इतने खास वगैरह नहीं है, बट वेराइटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना, ये उससे अच्छा है बढ़िया की दुकान से अच्छा है राज मंदिर ना, उस पर अच्छे ऑफर है ना, बाई वन गेट वन फ्री 150 में 2 ना, ये उनके खुद के प्रोडक्ट है ना राज मंदिर, बाई वन गेट वन फ्री। तो भाई फाइनली मैं राज मंदिर भी जाके आज को ना, दोनों में से मेरे को राज मंदिर बेस्ट लगा, सर्विस वगैरह के मामले में और प्रोडक्ट वगैरह के मामले में राज मंदिर काफ़ी अच्छा है, और बनिया की दुकान तो भाई नहीं लगा मेरे को इतना। और राज मंदिर जाना बहुत अच्छा मिलेगा भाई आपको, प्रोडक्ट वगैरह रेट वगैरह सही है सब कुछ, और ऑफर वगैरह भी बहुत कुछ मिल रहे हैं, तो राज मंदिर बेस्ट है भाई ना। तो भाई अगर आप इन दोनों में अगर बेस्ट की बात करोगे ना, इन दोनों में से बेस्ट कौन है राज मंदिर और बनिया की दुकान में से, तो मैक्स बाज़ार बेस्ट है दोनों में से। मैक्स बाज़ार जाना तो वहाँ और आपको किफ़ायती रेट वगैरह मिलेगा, वो और ज़्यादा चीप मिलेगा ना आपको। और ये देखो ऐसे भाई फ़ोन तो मैंने रख रखा है, बट आप रखो तो ध्यान से रखना, क्योंकि भाई पता ही नहीं चलेगा कब ले गए अपना ना छीन के। दिल्ली में बहुत चोरी होती है भाई, बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती है ना, और इस सीज़न में ना भाई जो टॉप्स कंपनी है ना वो बड़ा मुनाफा कमाना चाहती है, क्योंकि इतने सारे ऑफर्स निकाल के ना भाई, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े ऑफर्स ना टॉप्स कंपनी निकाल कर है ना, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, एक के साथ 3 फ्री, ऐसे ऐसे ऑफर्स निकाल सके हैं। और रेट भी बिल्कुल ये नहीं कि भाई ज़्यादा ओवर प्राइस कर रखा है, रेट भी एकदम सही है, MRP से लगभग वो सही है, यानी कि MRP बढ़ा लगा दिया। कुछ कंपनियां तो ऐसी जिन्होंने MRP बढ़ा रखा है भाई ना, उस पर ऑफर दे रहे हैं, है ना, 100 वाली को 200 कर दिया उस पर ऑफर दे रहे हैं, एक पे एक फ्री, तो वो कोई मतलब नहीं बनता ऐसी चीज़ों का। तो मेरे को टॉप्स की बड़ी बढ़िया बात लगी है, खतरनाक मार्केटिंग करी है इस बार टॉप्स कंपनी ने। तो भाई अब मैं पंजाबी बस्ती मार्केट की तरफ जा रहा हूँ ना, भीड़ दिखाता हूँ एक बार आपको,
एक बार ऊपर फोन करके दिखाता हूँ आपको, भीड़ देखना कितनी खतरनाक। देखो पूरी बड़ी बड़ी है ना मार्केट में, फुल खचा खचा हो रखी है ना। चलते हैं यहाँ से। क्या हो रहा है भाई वो देखो क्या बजा रहे वो, देख पटाखे बजा रहे, वो बंदूक के अंदर टिकड़ियाँ फोड़ते हैं ना, जो खाने पीने की हर जगह भरमार है यार, चारों तरफ भरमार है ना खाने पीने की। ये देखो ये वाली जो है इसके अंदर वो है ना डालते हैं तिल्लियाँ, मतलब माचिस की तिल्लियाँ वगैरह डाल के फिर बजाते हैं भाई, इसको चलाते हैं। ये देखो जैसे घमासान मचा रखा है ना भाई, आधे से ज़्यादा तो आप ही फोड़ फोड़ के मजे ले रहे हैं ना ये वाले मेरे को तो ये सही लगा, प्रमोशन करने का अच्छा जरिया ना इनका। कैसे वो पाँच छः इकट्ठे हो रखे, एक आप हो रखा है भाई, और पाँच छः ना छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे कर रखे, वो सब मजे ले रहे हैं। सोडा ले ली और भाई गली में इंजॉय करते जा रहे ना, अपनी मंडली फैमिली मिल चुकी आगे। तेरे को अकेले को कहाँ लेके गए थे, ये मेरे पीछे से है, तेरे मेरे पीछे से तेरे को कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं, कहाँ लेके गए थे बता बता है कहाँ लेके गए थे बता दे, सच सच बता दे, किसी को नहीं बताऊँगा। है पंजाबी बस्ती, क्या किया वहाँ पे, क्या किया, क्या क्या खाया पीछे से बताना, मेरे पीछे से है अकेले 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 मटर गस्ती पे खाए, और भी तो खाया था, पिया क्या था ये बता, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कहाँ से पी ली, मेरे पीछे से अकेले को छोड़ के है मस्तियाँ। तो भाई साहब घर वापस आ चुका था मैं, और रेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं अभी ना, एक वीडियो वगैरह भी एडिट कर दी, अपलोडिंग करेंगे, ये वीडियो भी एडिट करनी पड़ेगी, और अब भाई खाना वाना खाएंगे, सोएंगे, रेस्ट करेंगे। भाई यार वीडियो एडिट करते करते नींद आ गई भाई मेरे को, मेरे को मेट्रो में और वीडियो एडिट करते टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या ही सिस्टम बोरिंग सा हो जाता है कि पता नहीं क्या दिमाग में कुछ और चल जाता है तो नहीं पता। और आज दिखाया भाई वो ब्रांड गोदाम ना, ऐसे बहुत सारे और भी गोदाम वगैरह हैं, बहुत सारे और भी जगह हैं, वो भी आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ भाई ज़रूर ना, जहाँ जहाँ मेरे को मिल रहे हैं ना, जहाँ जहाँ मैं जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो जो मेरे को पता लग रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी बहुत चीज़ें जो दिखाने लायक हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करके आपको दिखाऊंगा ना। तो ये चीज़ें सस्ती है आपको वहाँ पे, घर के लिए नॉर्मल सामान आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।